हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मनाली। मनाली से होते हुए लाहौल अटल टनल से सिसु पहुंच गए और यहाँ पे है बहुत ही खूबसूरत नजारा। ये है मेरी फ्रेंड प्रज्ञा और अभी आपको दिखाती हूँ। वेजिटेशन तो बिल्कुल नहीं है इस एरिया में। वेजिटेशन वाला एरिया नहीं है। नेचुरल ब्यूटी तो ये आज हमारे साथ आए और अपनी जीन्स लाना ही भूल गए, जो ये कैंप में ही भूल गए टेंट में। जो इनकी सबसे बड़ी गलती है, अपने कपड़े डाल के मेरे कपड़े निकाल दिए। आप क्या बोलेंगे दिव्या इसके लिए? मेरे लिए क्या समर्थन रहे? कोई नहीं, बट सबके अच्छी पिक्चर्स आई है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये सामने वॉटरफॉल है। और नदी किनारे बैठे हैं हम अभी फिलहाल और बहती हुई नदी का नजारा ले रहे हैं। और टेढ़ी मेरी शक्ल से फोटोज खींचे। बहुत ज्यादा टूरिस्ट है। टूरिस्ट लोग यहाँ जितना ज्यादा आएंगे उतना इसको खराब ही करेंगे, कुछ अच्छा नहीं है। क्योंकि कई लोग यहाँ पे रैपर वगैरह डाल देते हैं। अभी हमने देखा पीछे झील है यहाँ पे, उस पे रैपर डाला हुआ है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यहाँ कभी आए तो प्लीज प्लास्टिक वगैरह ना फेंके, कोई भी किसी भी तरह का। कितनी सुंदर जगह है, इस जगह पे ऐसे प्लास्टिक फेंका होगा खराब हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। ग्लेशियर्स वैसे ही बनने नहीं है, 5-6 सालों में तो पूरा खराब होने वाला है। नेचुरल ब्यूटी को वैसा का वैसा ही रहने तो ज्यादा बेटर है, उसको डैमेज मत करो। बाकी बहुत खूबसूरत जगह है।
आप आए यहाँ पे विजिट करें और कोई भी ऐसी सामग्री मत लाइए जो इसकी ब्यूटी को खराब कर दे। अब वो देखिए नीचे वहाँ पे बॉटल्स फेंकी हुई है, कहीं प्लास्टिक फेंका हुआ है। किसी को पीने का मन हो तो प्लीज गाड़ी में जाके पी ले, बाहर ना फेंके प्लीज, इंजॉय करने आते हैं पीने के लिए। इसलिए कोई भी गंदगी यहाँ ना फेंके। फ्रेंड्स, तो हम रुके हैं टेंट में। हाउ आर यू? ये हमारा टेंट है। बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, अभी दिखा नहीं सकती आप लोगों को, जिसकी वजह से यहाँ का नजारा बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया है। ये हमारे सारे फ्रेंड्स।